वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आपणे जोता हता चेप्टर नंबर 3 द्विदल, जेना रचयिता हता डॉक्टर आईके वीजळीवाळा। तो डॉक्टर आईके वीजळीवाळाए आ पाठनी अंदर बे अलग अलग प्रकारनी वार्ताओ आपेली छे, जेमा पहेली वार्ता छे मूर्ति। ए वार्तानी अंदर आपणे जोयुं हतुं के गामनी अंदर मंदिरनुं बांधकाम चाले छे, तो एक शिल्पकार त्यां मूर्तिओ बनाववानुं काम करे छे। तो आ लेखक त्यां मूर्तिओनुं काम केवुं बनाववानुं चाले छे, मंदिरनुं बांधकाम केवुं चाले छे ते जोवा माटे जाय छे। अने त्यां जाय छे त्यारे जोवे छे के एक जेवी सेम मूर्तिओ बे बनी रही होय छे। त्यारे ते लेखक तेने पूछे छे के आम आवी आ प्रकारनी बे मूर्तिनी मंदिरमां जरूर छे? त्यारे शिल्पीकार जणावे छे के बे मूर्तिनी तो जरूर नथी, पण आ एक मूर्तिमां थोड़ी खामी छे एटले हुं बीजी वार मूर्ति बनावी रह्यो छुं। हवे लेखक जे खामीवाळी मूर्ति छे तेने घणीवार धारी धारीने फरी फरीने जुए छे, परंतु ए मूर्तिमां तेने कोईपण प्रकारनी खामी दिखाती नथी। पछी ते शिल्पीकारने पूछे छे के आ मूर्ति तो बराबर ज छे। त्यारे शिल्पीकार बोले छे के तेना नाक आगळ थोड़ो घसरको रही गयेलो छे। हवे लेखक तेना नाक आगळ धारीने जुए छे त्यारे तेने ते घसरको देखाय छे। पछी लेखक पूछे छे के आ मूर्तिनी स्थापना कई जग्याए करवानी छे? तो त्यारे ते मूर्तिकार जणावे छे के सामे रहेला 20 फूट ऊंचा थांभला उपर, स्तंभ उपर तेनी स्थापना करवानी छे। हवे आ सांभळीने पेला माणसने बहु ज आश्चर्य थाय छे अने ते के एने कहे छे के भला आदमी, के आटले ऊपर मूर्तिनी स्थापना थवानी होय तो आवी खोटी मेहनत शुं काम करो छो? ते एटले ऊपर कोण आयरी नाकमां रहेली आटलो नानो घसरको कोण जोवानुं छे? त्यારે તે મૂર્તિ પોતાના કામ પરથી ધ્યાન હટાવીને શાંતિથી જવાબ આપે છે કે બીજું કોઈ જાણે કે નહીં જાણે, પણ હું અને મારો ભગવાન તો જાણીએ છીએ ને। તો એની આ વાત સાંભળીને તે માણસને આશ્ચર્યનો કોઈ પાર ના રહ્યો અને તે શિલ્પીકાર પાછો પોતાના કામમાં મગ્ન થઈ ગયો અને તે માણસ એકદમ નિશબ્દ બની જાય છે। બરાબર, તો આવી સુંદર મજાની વાર્તા આપણે જોઈ હતી। હવે આપણે જોવાના છે બીજી વાર્તા, સ્વમૂલ્યાંકન। परदेशनी वात छे, त्याना एक स्टोरमां एक युवक दाखल थयो। दुकानदार साथे नम्रताथी वात करीने तेने पब्लिक फोन वापरवानी मंजूरी मांगी। आ वार्ता क्यानी छे? परदेशनी, एटले के बीजा देशनी वात छे। अने त्याना एक स्टोरमां एटले एक दुकाननी अंदर एक युवक दाखल थाय छे, एटले अंदर एंटर थाय छे। अने ते दुकानदार साथे खूब ज नम्रताथी वात करीने पब्लिक फोन यूज करवानी वापरवानी परमिशन मांगे छे। बराबर, मंजूरी एटले के परवानगी मांगे छे। दुकानदार हा पाड़ी, शू कर्युं? दुकानदारे फोन वापरवानी हा पाड़ी। युवकना हाथ मेला अने खराब हता एटले ए स्पीकर फोन पर बात करतो हतो। आजे युवक जे दुकानमां दाखल थयो हतो तेना हाथ केवा हता? मेला अने खराब हता एटले तेने फोननुं रिसीवर कान पर मूकेलुं नहीं हतुं, पण ते स्पीकर फोन करीने वात करतो हतो। अन्य कोई ग्राहक ए समये स्टोरमां हाजर न होवाथी दुकानदार एनी वात ध्यानथी सांभळी रह्यो હતો। જ્યારે યુવક ત્યાં ફોન પર વાત કરી રહ્યો હોય ત્યારે તે દુકાનની અંદર બીજું કોઈ ગ્રાહક હોતું નથી, એટલે દુકાનદાર પણ તેની વાત ધ્યાનથી સાંભળતો હોય છે। સામા છેડે કોઈ સ્ત્રી વાત કરી રહી હતી। એ યુવક જેની સાથે વાત કરતો હતો તે કોણ હતું? એક સ્ત્રી હતી। યુવકે કહ્યું, મેડમ તમે મને તમારે ત્યાં લોન કાપવાનું કામ આપી શકો ખરા? યુવક શું પૂછે છે તે લેડીઝને કે મેડમ તમારે ત્યાં લોન, લોનનો મતલબ થાય છે કે ઘરની આગળ ઉગાડવામાં આવતું લીલું ઘાસ, અથવા તો બાગ બગીચાની અંદર ઉગાડવામાં આવતું લીલું ઘાસ, એ કાપવાનું તમે મને કામ આપી શકો? એવો પ્રશ્ન પૂછે છે। સામે છેડેથી સ્ત્રીનો અવાજ આવ્યો, નહીં ભાઈ, લોન કાપવા માટે મેં માણસ રાખી લીધો છે। સ્ત્રી શું જવાબ આપે છે? ના પાડે છે અને શું કહે છે કે લોન કાપવા માટે તો મેં બીજો માણસ રાખી લીધેલો છે। યુવક બોલ્યો, મેડમ અત્યારે તમારે ત્યાં રાખેલ જે માણસને જે પગાર આપતા હો એના કરતા અડધા પગારથી હું લોન કાપી આપીશ। યુવક શું જવાબ આપે છે કે તમે જે માણસ રાખેલો છે એને જેટલા પૈસા આપો છો એના કરતા અડધા પૈસામાં હું તમને લોન કાપી આપીશ, એટલે તમારું કામ કરી આપીશ। ઓકે, હવે આગળ શું થાય છે જોઈએ। સામે છેડેથી સ્ત્રીએ કહ્યું, ના ભાઈ, હાલ લોન કાપવાનું કામ જે માણસ કરે છે તેનાથી મને કોઈ જ ફરિયાદ નથી। શું કહે છે સ્ત્રી કે હમણાં જે મારું કામ કરે છે લોન કાપવાનું તે માણસથી મને કોઈ ફરિયાદ નથી। યુવકે કહ્યું,
मैडम लोन कापवानी साथे हूँ घरनी आजूबाजूनो रस्तो पण साफ करी आपीश अने ए माटे कोई वधारानी रकम ए पण कोई पण वधारानी रकम वगर शू कहे छे के हूँ लोन तो कापी आपीश पण रस्तानी आजूबाजूनो जे रस्तो छे रस्तानी आजूबाजूनो जे उगेलू घास छे तेने पण हूँ साफ करी आपीश अने तेना पण कोई वधाराना पैसा लईश नहीं। पेली स्त्री जवाब आप्यो ना भाई आभार मने हमणा बीजी कोई व्यक्ति नी जरूर नथी मैं रोकेला माणस थी मने पूरो संतोष छे। शू जवाब आपे छे स्त्री ना पाड़े छे अने साथे एने थैंक यू पण कहे छे आभार पण माने छे कि मने हमणा कोई बीजी व्यक्ति नी जरूर नथी मैं जे माणस रोकेलो छे एना काम थी एने शू छे संतोष छे। आटली बातचीत पूरी करीने खुश खुशाल चेहरे ए युवके फोननो स्पीकर बंद कर्यु शू थयु एने काम करवानी ना पाड़ी तेम छता पण ते युवक एनो चेहरो केवो हतो खुश खुशाल हतो अने एने फोननो स्पीकर बंद करी दीधु। दुकानदारनो फरी एक बार आभार मानीने ए जवानी तैयारी करतो हतो हवे तेनो फोननो काम पती गयुं छे एटले ते दुकानदारने थैंक यू कहीने त्यांथी बहार निकळवानी तैयारी करतो हतो। एज वखते दुकानदारे एने पासे बोलावे शू करे छे दुकानदारे युवकने पोतानी पासे बोलावे छे एनी बधी वातचीत सांभळीने ए पण खुश थयो हतो दुकानदार दुकानमां कोई हतुं नहीं एटले तेने आ युवकनी फोन पर पेला लेडी साथेनी वात सांभळी अने एने पण खुशी थई हती के एने ना पाड़े छे तेम छतां पण आ युवक खुश हतो एटले एनी वातथी दुकानदारने खुशी थई हती। पेली स्त्रीए काम करवानी ना पाड़ी छतां युवकना चेहरा पर निराशानी कोई रेखा न हती के ए जराय उदास पण न हतो एने कई वात स्पर्शी गई के स्त्रीए तेने काम करवानी ना पाड़ी तो पण आ युवक निराश थयो नहीं एना चेहरा पर जराक पर उदासीनता देखाती नहीं हती वात तेने शू थई थी स्पर्शी गई हती टूंकमां एनी खुमारी एने स्पर्शी गई हती। ओके आज आ वीडियो अहीं राखीए छीए आपणे हवे आगळ युवक शू करे छे दुकानदार एनी साथे शू वात करे छे आपणे नेक्स्ट वीडियोनी अंदर जोईशुं। बाय स्टूडेंट्स।